नमस्कार दोस्तों, और रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। तो कौन सी कंपनी आगे जाके फ्यूचर में क्यों मल्टीबैगर बन सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानेंगे, और अपने शेयरों को मालामाल कैसे कर सकते हैं उसके पीछे के जो पैरामीटर है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी का नाम है हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। तो हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के लिए कल का दिन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट था। कंपनी ने पेश किए अपने Q2 के नतीजे, यानी क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। उसके साथ यहाँ पे डिविडेंड का भी धमाका किया है। तो कितने रुपए का डिविडेंड है, उसका रिकॉर्ड डेट क्या है, वो पूरे डिटेल में देखने वाले। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक लेते तो खुद का स्टडी ज़रूर कीजिए। तो जो हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में कंपनी काम करते है, IT सेक्टर में कंपनी काम करते है। एक बिजनेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, आने वाले समय में कंपनी को बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि जो अभी जो ज़माना चल रहा है पूरा AI मशीन लर्निंग का चल रहा है। तो आने वाले समय में सेक्टर में बड़े बड़े जॉब आ सकते हैं, और हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को बहुत ही बड़ा यहाँ पर फायदा हो सकता है। और जो दूसरा रीज़न था वो है, जैसे कि यहाँ पे इनकी जो फाउंडर है अशोक सुता जी, एक बहुत ही बड़ा नाम है। जैसे कि जो अशोक सुता जी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपनी के साथ काम किए, विप्रो के साथ काम किया था, उसके बाद माइंडट्री के साथ काम किया था। तो आप लोग चेक कर सकते हैं विप्रो और माइंडट्री कहाँ से कहाँ पे चले गए, एक बहुत ही बड़े लेवल पे चले गए। तो आने वाले समय में हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एक अच्छा धमाका कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं एक्चुअल जो न्यूज़ है, तो जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किए उसके ऊपर आ जाते हैं। तो हम लोग आ गए BSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए कंपनी की तरफ से। तो आप लोग भी जाके वहाँ पे आराम से रिजल्ट पढ़ सकते हैं। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो जैसे कि जो भी आंकड़े दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे लैक्स में, मतलब बहुत बड़े बड़े आंकड़े, और जो पहला कॉलम है वो है इस बार का Q2 का रिजल्ट है, जो मिडल कॉलम है वो है प्रीवियस क्वार्टर का, यानी Q1 का रिजल्ट है, और जो लास्ट कॉलम दिख रहा है वो है प्रीवियस ईयर का Q2 का रिजल्ट। तो ईयर टू ईयर और Q2 कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल रेवेन्यू से, यानी टोटल रेवेन्यू मतलब होता क्या है, कंपनी ने बिजनेस कितना किया मार्केट में, मतलब अपने प्रोडक्ट कितने बेचे और उससे कितना पैसा आ रहा है कंपनी को। तो जैसे कि इस बार है 42,000, लास्ट क्वार्टर था 40,000, और लास्ट ईयर के Q2 में था 35,000। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, एक नॉर्मल जंप दिख रहे हैं Q2 के जो टोटल रेवेन्यू में, लेकिन ईयर टू ईयर में इसमें बहुत ज़्यादा जंप दिख रहे हैं। एक अच्छा साइन है, टोटल रेवेन्यू बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मिड कैप कंपनियों के लिए। ये तो हो गया टोटल रेवेन्यू के बारे में। नेक्स्ट पैरामीटर है टोटल एक्सपेंसेस, यानी खर्चे कितने किए कंपनी ने। तो खर्चे मतलब होता क्या है, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है सब कुछ खर्चे यहाँ पे आते हैं। तो इस बार 34,000 है, लास्ट क्वार्टर में 32,000, और लास्ट ईयर के Q2 में था 27,000। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कंपनी के भी खर्चे थोड़े बहुत यहाँ पे बढ़ गए Q2 और ईयर टू ईयर। खर्चे बढ़ना एक अच्छा साइन नहीं रहता मार्केट में। अगर खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे तो जो कंपनी का मुनाफा रहता है उसमें बहुत बड़ी गिरावट दिख सकते हैं। तो आप देख लेते हैं एक्चुअल जो मुनाफा हुआ है, यानी टोटल नेट प्रॉफिट सब कुछ गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी, यहाँ पे बाकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकलने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है। तो टोटल कॉम्प्रेंसिव इनकम चेक कर सकते हैं फॉर दिस पीरियड लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बार है 5,200, लास्ट क्वार्टर में 6,400, और लास्ट ईयर के Q2 में था 5,460। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कंपनी का जो Q2 जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे ख़राब है, और ईयर टू ईयर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट दिख रहे हैं। तो जो रिजल्ट है एक ओके टाइप के बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं और ज़्यादा भी कुछ अच्छे नहीं, एक न्यूट्रल रिजल्ट है हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के। ये तो गए रिजल्ट के बारे में। नेक्स्ट पैरामीटर जो है यहाँ पे डिविडेंड के बारे में देख लेते हैं, जो यहाँ पे इंट्रीम डिविडेंड दिया है कंपनी ने, कितने रुपए का डिविडेंड दिया है। तो इस बार यहाँ पे 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, एक अच्छा डिविडेंड दिया है उस हिसाब से देखा जाए तो। और इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिसाइड किया है यहाँ पे 30 अक्टूबर, यहाँ पे कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। जो भी यहाँ पे 30 तारीख से पहले स्टॉक को खरीद लेगा उसको यहाँ पे डिविडेंड का फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कब तक डिविडेंड आएगा बोला आपके अकाउंट में, वो यहाँ पे 13 नवंबर। तो 13 नवंबर से पहले आपके जो भी सेविंग अकाउंट है उसमें यहाँ पे 2.5 रुपये का जो डिविडेंड है आने वाला, इसे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। ये तो था आज का यहाँ पे वीडियो हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के रिजल्ट और डिविडेंड के बारे में। इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।